जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हर किसी को एक YouTube चैनल क्यों बनाना चाहिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आप एक YouTube चैनल बनाकर उसको किसी तरह मेंटेन करके, ठीक है, आप अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके उसको कुछ दिन तक चलाते हो, ठीक है, तो आपका इसमें क्या भविष्य हो सकता है, क्या यहाँ से पैसिव इनकम हो सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों यूट्यूब हम सभी चलाते हैं और हम में से थोड़े बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब पर काम भी करते हैं। आजकल दोस्तों युवाओं को यूट्यूब बड़ा ही आकर्षित कर रहा है और वो इसमें करियर ऑप्शन चुनने का प्रयास कर रहे हैं। यूट्यूब अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप आसानी से फेमस हो सकते हैं, लेकिन ये सब बोलने में जितना आसान है उतना ही कठिन है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों क्या आपको, मान लो आप पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप कोई सा भी वर्क कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समय आपको YouTube को जरूर देना चाहिए। अब ये बात अलग है कि दोस्तों इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला है, YouTube पे दोस्तों आपको समय तो देना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आपको एक YouTube चैनल बनाकर थोड़ा थोड़ा समय दोस्तों आपको जरूर देना चाहिए। दोस्तों मान लो अगर आप एक कोई पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप 12th क्लास स्टूडेंट हो, ठीक है, तो दोस्तों आप अपने YouTube चैनल पे किस तरीके से वर्क कर सकते हो ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक फील्ड चूज करना होगा, मतलब दोस्तों आप जिस फील्ड से रिलेटेड आप YouTube चैनल बनाकर जिसमें कंपटीशन कम हो, अब जैसे जो भी आप समझ लो अपने हिसाब से, जो भी आप डिसाइड कर लो। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इस समय युवाओं में यूट्यूब पर चैनल बनाने और उस पर वीडियो बनाने का क्रेज बहुत तेजी से छाया हुआ है। कई युवा इसमें कैरियर बनाने के सपने देखते हैं और कई युवा इसे कैरियर बना चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें लगभग 12 से 15 साल के बच्चे भी बहुत बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, मतलब अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यहां पे स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों अगर आपके पास एक सिंपल सादा फोन है, मतलब स्मार्टफोन, ठीक है, आप उसमें से कहीं से भी कोई भी टॉपिक ढूंढकर आप एक इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें युवा एक YouTube चैनल बनाने के लिए क्यों सोचते हैं और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यूट्यूबर अधिकतर युवा ही है, ठीक है, आजकल के YouTube चैनल में अधिकतर यूट्यूबर युवा ही है जो आज के अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जो युवा इन्हें फॉलो करते हैं और इनके जैसे बनने का सपना देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, मतलब एक खुद की पहचान बना सकते हो। आप खुद ही सोचो दोस्तों, आपको खुद की पहचान बनाने का मौका YouTube चैनल दे रहा है। आपको दोस्तों YouTube चैनल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, एक बार आप खुद ही सोच के देखो कि आपको कुछ करना भी नहीं है, मतलब दोस्तों आपको कहीं भी कोई पैसे लगाने नहीं है, आपको घर बैठे खाली समय निकालकर दिन का एक या आधा घंटा निकालकर आपको बस इसमें देना है। तो दोस्तों आप क्यों नहीं चाहोगे कि एक घंटा या आधा घंटा मैं निकालकर किसी टॉपिक पर वीडियो बना के मैं अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करूं और उसके साथ कुछ इनकम करने का कुछ रिसोर्स ढूंढूं। दोस्तों हर कोई अपनी लाइफ में एक आध बार तो जरूर सोचता है YouTube पर सक्सेस होने के लिए, YouTube पर वीडियो बनाने के लिए, YouTube पर चैनल बनाने के लिए। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप समय से पहले ही YouTube चैनल को एक बिल्ड कर लो, ठीक है, ताकि जब तक आप सोचो कि मुझे YouTube पर होना चाहिए था तब तक आपको पछतावा महसूस ना हो। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप एक YouTube चैनल बनाकर कुछ ना कुछ, दोस्तों अगर व्यूज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, तब भी कोई बात नहीं, दोस्तों आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, ठीक है। अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आप वो कला नहीं दिखा पा रहे हो, तभी तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप वो कला दिखाओ तब आपके पास व्यूज़ जरूर आएंगे। दोस्तों आपको हर एक तरीका ढूंढना है जिससे कि आपका चैनल ग्रो हो सके, आपका चैनल वायरल हो सके, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो थोड़ी सी समझ में आई होगी। दोस्तों आपको ये कि YouTube चैनल क्यों बनाना चाहिए आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों मेन बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां से आप एक पैसिव इनकम का सोर्स ढूंढ सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप यहां से एक पैसिव इनकम किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। अब दोस्तों मान लो कि आप किसी कारणवश वीडियो नहीं बना रहे हो, ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका इनकम आपको ही मिलेगा, चाहे आप वर्क करो या ना करो। और दोस्तों YouTube चैनल के साथ आप बहुत सारे काम भी कर सकते हो अगर आपके पास ऑडियंस है। दोस्तों अगर आपके पास एक नेटवर्क क्रिएट हो गया है, जिस तरीके से दोस्तों आपने देखा होगा कि नेटवर्क हर कोई क्रिएट करना चाहता है, तो दोस्तों अगर आप भी नेटवर्क या फिर ऑडियंस क्रिएट कर लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। और दोस्तों आप जहाँ तक जानते भी हैं कि हर किसी को कमाने के कई तरीके रखने चाहिए, मतलब दोस्तों एक प्लान बी तो जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और मतलब आपको एक स्टार्टअप करना चाहिए कि जिससे कि आपका भविष्य सुधर सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।